Good afternoon, class. A very warm welcome to all of you. This is Divyanshu Pandey, faculty of GK at SSB Crack Exam. आज किस FCAT second 2023 case study GK class का हमारा topic World Heritage Sites in India से related रहने वाला है. तो आप सभी अपने copy, notebook को, pen को लेकर तैयार रहिए, जिससे कि important चीजें आप note down कर भी सकें. साथ ही साथ सबसे पहले हम इसका content देखेंगे और इस topic से related questions आपके exam में कैसे पूछे जाएंगे उसको भी हम कवर करेंगे. तो लगातार आप सभी क्वेश्चन इस क्लास में जुड़ते जाएं. डेल लैपटॉप, जो भी आपका नाम हो, दीक्षा, कशिक, कुहेली, ओम साई, रिया, ऋषभ, सत्यम, कुछ न्यू स्टूडेंट्स लग रहे हैं, ठीक है. तो जो नए हैं उनका वेलकम, जो पुराने हैं वो भी, उनका भी वेलकम. और चलिए क्लास में हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप सभी जानते हो कि आज का अगर हम टाइम टेबल को देखें तो सुबह मेरी डेली डिफेंस करंट अफेयर की क्लास आपकी चली 9 से 10, उसके बाद 10 से 11 जहीर सर आते हैं करंट अफेयर की क्लास को लेकर. एफकैट की क्लास आपकी 2 से 3 स्टैटिक जीके, 5 से 6 अनुराधा मैम, और 6 से 7 मयांक सर मैथ के. फिर एनडी और सीडीएस की क्लास भी हमारी पैरेलली चली रही है. अब आगे बढ़ें. सबसे पहले क्लास का टॉपिक क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को. यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो कि यूनिवर्सली कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उन साइट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो उनकी खोज कैसे करें, और अगर वो विरासत है तो उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका लिस्ट करें, जिससे कि उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और फैसिलिटेशन का प्रोसेस तेजी से किया जा सके. और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की इस्टेब्लिशमेंट 1972 में की गई थी, और यही वो अथॉरिटी है जो कि पूरे विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स को, जो कि कल्चरल और नेचुरल मायने में जाने जाते हैं, उनको इस लिस्ट में आपका इंक्लूड करना. 2022 की बात करें, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी तक भारत में आपके हैं. 40 में से 32 आपके कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 नेचुरल हैं, और एक आपका मिक्स्ड है जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों साइट्स आती हैं. उसका नाम है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि एक प्रकार का मिक्स टाइप का हेरिटेज सेंटर है. और भारत हैज द सिक्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, तो यानी कि छठे नंबर पे हम हैं जिसके पास टोटल 40 आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. चलिए, यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और क्लास में लगातार आप सभी जुड़ते जाएं. इसी के साथ, जो भारत में पहली साइट्स आपकी थी ना, तो पहले साल 1983 में भारत की साइट्स को आपका इंक्लूड करने का प्रोसेस किया गया, जिसमें अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल को आपका शामिल किया गया. यानी कि टोटल आपके 4 हेरिटेज साइट्स थे जिसको भारत की इन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका लिस्टेड किया गया. साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली लिस्टेड साइट है वो है धौलावीरा, ठीक है. काफी बार हिस्ट्री में धौलावीरा का नाम आपने पढ़ा होगा, और अभी हम इसके बारे में जानेंगे भी. तो शुरुआत करते हैं 1983 से लेकर 2021 तक की, जहां पर आज के सेशन में हम टोटल 40 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को आपका लिस्ट करेंगे. तो पहले नंबर पर 1983 में अजंता केव्स आता है, तो इसको अजंता की गुफाएं कहते हैं. आप यहाँ पर पिक्चर में इसको देख पा रहे हो, तो ये रॉक कट टेम्पल का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि बुद्धिस्ट के समय से आता चला आ रहा है, और ये महाराष्ट्र में आपका सिचुएटेड है, जो कि अपने आर्टिस्टिक और मास्टरपीस मॉन्यूमेंट्स के लिए विश्व में प्रख्यात है. इसमें टोटल 34 आपके टेम्पल्स कंप्राइज होते हैं, और ये पूरा 2 किलोमीटर तक आपका एरिया फैला हुआ है. 7th से लेकर 11th सेंचुरी तक इसको आपका बनाने का कार्य किया गया है, जिसमें बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म के आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके भगवान हैं, देवी देवता हैं, सभी को इनका आपका
रॉक के माध्यम से मूर्ति इसमें बनाई गई है। अब 1983 में ही आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगरा में आप सभी ताजमहल जानते होंगे, तो आगरा में अकबर के द्वारा बनवाया गया आगरा फोर्ट है, 16th century में बनाया गया था, और ये एक पर्शियन एंड तिमुरिड आर्किटेक्चर से बनाया गया इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया। इसी के साथ आगरा के एक और आपका है ताजमहल, नाम तो आप सभी जानते हो, यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित ताजमहल है, और इसको शाहजहां के समय में बनवाया गया था, 1631 से स्टार्ट किया गया था, 1648 तक ये आपका इसका काम चला, यानी कि 17-18 साल में इसको बनाया गया, और इसके डिजाइनर कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनके द्वारा जो है इसका निर्माण करा गया। अगले साल 1984 में उड़ीसा में अगर हम चलेंगे तो कोणार्क का सन टेम्पल, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर देखेंगे, 13वीं शताब्दी में बनाया गया, ये कलिंग आर्किटेक्चर से बनाया गया एक मंदिर है, जिसमें आपका चैरियट है यानी कि रथ है, 16 deity सूर्य है, और 24 आपके व्हील्स लगे हुए हैं। तो ये जो 24 व्हील्स है, एक तरीके से धर्म चक्र परिवर्तन का ये संदेश देता है, और कहता है कि चक्र से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको लगातार प्रकाशमयी ज्ञान के लिए हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। फिर 1984 में ग्रुप ऑफ माउंटमेंट्स एंड महाबलीपुरम तमिलनाडु को भी आपका इसमें लिया गया, इसको 7th century में पल्लव डायनेस्टी के द्वारा आपका बनाया गया था, और ये भी एक चैरिट शेप टेम्पल है जिसमें धर्मराज रथ मंडप, यानी कि रॉक कट टेम्पल, रॉक रिलीफ्स, ये सभी जायंट डिसेंट ऑफ द गेंगस डायनेस्टी के आपके लगाए गए हैं, 7th-8th century में इसको पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट ईयर 1985 आता है, तो उस समय काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है उसको भी इसमें लिस्ट कर लिया गया। तो ये किस साइट में आएगा, तो ये आपके नेचुरल साइट में आएगा, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर आपके टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो और गंगेस रिवर डॉल्फिन भी आपकी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप असम का मैप देख पा रहे हो, यहाँ पर काजीरंगा है, ठीक है, और यहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, आप जरूर जाइएगा घूमने। असम में ही मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि मानस रिवर के तट पर होने के कारण इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे राइनो, इंडियन राइनो, एशियन एलिफेंट, टाइगर के लिए प्रख्यात है। अगला 1985 में ही राजस्थान में जो किउलो देव नेशनल पार्क है उसको भी इसमें आपका लिस्ट किया गया, जिसमें 350 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया है, 15 स्पीसीज ऑफ हेरॉन्स, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये सभी आपके आते हैं, और इन सभी जीव जंतुओं को यानी कि पक्षियों को प्रोटेक्टेड लिस्ट में रामसर कन्वेंशन साइट की भी आपका लिस्ट किया गया है। अगला 1986 में गोवा का चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो देखिए 1961 में, ठीक है, पोर्टुगीज जो कि पुर्तगाली थे गोवा में आपके थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था 16th-17th century में, और जो है ये काफी प्राचीन विरासत का एक जगह है, इस कारण से इसको भी आपका लिस्ट कर लिया गया है। 1986 में मध्य प्रदेश का खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटमेंट्स, जरूर जाइएगा घूमने आप सभी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 23 टेम्पल्स की साइट्स हैं, जो कि हिंदू और जैन के दोनों आपके प्रमुख भगवानों का आपका दर्शाती है। 10th-11th century में चंडेल डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसमें नगारा स्टाइल का आर्किटेक्चर इसमें प्रयुक्त किया गया है। अगला है कर्नाटक का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, तो देखिए हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, किसकी एम्पायर है आपकी, विजयनगर एम्पायर की। तो मैंने पिछली क्लास में पूछा भी था विजयनगर की स्थापना किसने की थी, आपने आंसर बताया था, एक बार फिर से आप सभी बता दो, विजयनगर एम्पायर वॉज बिल्ट बाय, तो यहाँ पर आपका डेक्कन में आता है 1565 में, 200 ईयर्स पहले जो है आपके ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को हम्पी कर्नाटक में आपका बनाया गया था। वेरी गुड ओम साई, हरिया और बुक्का दो भाई थे, उन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश चले,
1986 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश को आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया। ये कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर के नाम से जानी जाती थी और फिर इसको आपका मूव करके लाहौर में कर दिया गया था। अगला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पदक्कल कर्नाटक। तो ये साइट्स आपकी 9 हिंदू और 1 जैन टेंपल के साथ सिचुएटेड है जो कि 7th और 8th सेंचुरी में बनाया गया था चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। ओके, और इसमें जो है आपके देवर कंस्ट्रक्टेड इन द बदामी चालुक्य स्टाइल द ब्लेंड्स दैट ब्लेंड इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। फिर एक बार फिर से महाराष्ट्र की तरफ अगर आप पहुंचोगे तो आपको हाथी गुफा दिखेगी जिसको इंग्लिश में हम एलिफेंटा केव्स कहते हैं। तो इसको 5th और 6th सेंचुरी में बनाया गया था मुंबई हार्बर में और इसके रिमेन्स अभी भी बचे हुए हैं। और ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी चीजों पर आप ध्यान देते चलें। अगला है तमिलनाडु का ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। तो इसको भी 11th-12th सेंचुरी में चोल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया जो कि द्रविड़ियन आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका रिप्रेजेंट किया करता है। 1987 में सुंदरबन नेशनल पार्क, काफी बार नाम सुना होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पे मिलेगा आपको, यहीं पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा और ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। 78 रिकॉर्डेड मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्पीसीज आपको यहीं पर देखने को मिलती है। चलिए उत्तराखंड चलें जहां पर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है, वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स है। तो वेस्ट हिमालय में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है आपका, साथ ही साथ आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये सभी आपके डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पर बसे हुए हैं और जो नंदा देवी है वो भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसकी हाइट 7817 मीटर की आपकी है। अगला अगर हम मध्य प्रदेश में चलें तो मध्य प्रदेश में आपका बुद्धिस्ट क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सांची स्तूप कहते हैं, जरूर चाहिए जाइएगा। और एम्परर अशोक ने 3rd सेंचुरी में इसका आपका निर्माण करवाया गया था और यहाँ से आपको बुद्धिस्ट सेंचुरी के बारे में पता चलता है, उनके स्क्रिप्चर्स, उनके जो काम थे उनको हम जानते हैं। अगला दिल्ली का आपका हुमायूं टॉम्ब है यानी कि हुमायूं का मकबरा। मकबरा क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसको गाड़ आड़ देते हैं तो उसको मकबरा कहलाता है। द टॉम्ब ऑफ द मुगल एम्पायर मकबरा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1560 एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गोल्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसको पर्सियन गार्डन्स के एलिमेंट्स के साथ बनाया गया है। दिल्ली में ही आपका कुतुब मीनार है और उसके मॉन्यूमेंट्स हैं और जैन मंदिरों को लगभग 28 से 30 जैन मंदिरों को तोड़कर उनके रिमेन्स से आपका ये कुतुब मीनार बनाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। अगला हिमाचल प्रदेश का माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इन तीनों को यानी कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के रेलवे को 1999 में जो है उनके अच्छे वर्क के लिए और उनके ट्रेन के लिए आपका इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया जहां पर आपकी कालका शिमला रेल चला करती है। फिर बिहार की तरफ चलें तो बिहार में आपका महाबोधि टेम्पल है, ठीक है, तो इस टेम्पल को भी आपका लिस्टेड कर लिया गया है क्योंकि इसी ट्री के नीचे, बोध ट्री, बैनियन ट्री के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने ज्ञान आपका प्राप्त किया था और इसको जो है अशोक के समय में अशोक के द्वारा आपका बनाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में चलोगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2003 में आपका लिस्ट किया गया। यह विंध्यन रेंज के आपके फूड हिल्स के पास लोकेटेड है और आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये भारत का सबसे पुराना आपका रॉक शेल्टर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पत्थर को काट के, वो भी इतने बड़े बड़े पत्थर को काट के नक्काशी कह करके उस समय के लोगों के द्वारा बनाया गया था। अगला छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनस एट महाराष्ट्र, तो 19th सेंचुरी में इसका डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा किया गया था, वो भी विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में। इसी स्टाइल में अगर आप देखोगे
ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो है, ब्रिटेन की जितनी भी संस्थाएं रहती हैं इसी स्टाइल में रहती हैं, तो इसको भी आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया है। अगला है गुजरात का चांपनेर पावर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क। तो देखिए यहाँ पर आपके शॉर्ट लिव्ड कैपिटल गुजरात सल्तनत थी 16th सेंचुरी में, और कालिका माता का मंदिर भी था, ठीक है। अगला दिल्ली का लाल किला। तो लाल किला तो आपको याद होगा हर साल 15 अगस्त को क्या होता है, यहीं से ध्वजारोहण का कार्यक्रम आपका किया जाता है। तो इसको भी जो है मुगल एम्परर शाहजहां ने mid-17th सेंचुरी में बनाया था, और ये एक तरीके से कह सकते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी सबसे बड़ा प्रतीक था। अगला है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। तो सबसे बेहतरीन अगर कोई आपकी साइट है भारत में वो भी एस्ट्रोलॉजिकली प्रूफ, तो वो क्या है, जंतर मंतर है, ठीक है। जंतर मंतर तो कई जगह है, लेकिन मेन दो जंतर मंतर की बात करें तो एक आपका राजस्थान में हो गया, दूसरा आपका दिल्ली में हो गया, ठीक है। तो इसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था, और जंतर मंतर इंडिया का सबसे सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। 2012 की तरफ चले तो वेस्टर्न घाट कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु को जो 2012 का यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके नीलगिरी ताहर, नीलगुड़ी लंगोर, गौर, इंडियन बाइसन, ये सभी आपके पशु पक्षी पाए जाते हैं, इस कारण से इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। अगला है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में मेनली आपके 6 फोर्ट्स है, जिसमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का आपका फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, गगन गैरगॉन फोर्ट, तो ये सभी आते हैं। और राजपूत राजाओं के द्वारा 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये सभी आपके फोर्ट्स बनाए गए हैं। अगला है आपका रानी की वाव। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके पास जो गांधी जी वाली नोट रहती है उसमें भी ये रानी की वाव बना हुआ है, ठीक है, जिसको स्टिपल्स कहा जाता है, और ये चानू के डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है 11th सेंचुरी बनाने में के दशक में जो है इसको आज निर्माण आपका किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में हिमालय में 6,000 मीटर लंबा एल्पाइन मीडोज और रिवराइन फॉरेस्ट है, जिसको आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेचुरल लिस्ट में लिस्टेड कर लिया गया है। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा बिहार। तो 2016 में जो है बुद्धिस्ट एंशियंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो कि 5th सेंचुरी में आपका बना था, उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। अगला 2016 का कंचनजंगा नेशनल पार्क है, सिक्किम का है, मैंने बता ही दिया है कि ये आपका मिक्सड हेरिटेज साइट है। अगला द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर हैं ली कार्बूजियर को ही जाना जाता है, तो यहाँ पर आर्कोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर यहाँ पर आपका अवस्थित है, तो इसको भी जो है इसमें लिस्ट कर लिया गया है। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात। 2017 में जो है गुजरात के शहर अहमदाबाद को भी इस लिस्ट में आपको शामिल किया गया है, जिसके तहत जो है गुजरात की जो टूरिज्म है वो और भी अब आपकी बढ़ती जा रही है। अगला है विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डीको एंसेम्बल्स ऑफ मुस्लिम महाराष्ट्र। 2018 में जो है आपके मुंबई में इस प्रकार की आपकी बिल्डिंग बनाई गई, जो कि विक्टोरियन गोथिक स्टाइल की है। नेक्स्ट राजस्थान के जयपुर का हवा महल कह लें, ठीक है। तो देखिए ये जो सिटी आपकी ग्रिड प्लानिंग स्ट्रक्चर पर बिल्ड है, और गोविंद जी टेम्पल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, ये सभी इसमें आपके लिस्टेड रहा करते हैं। अगला है काती रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल। तो 2021 में तेलंगाना के इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका लिस्ट किया गया है। लॉर्डशिप की पूजा इसमें की जाती है, और इसको बनाने का कार्य 13th सेंचुरी में आपका आरंभ किया गया था। अगला है 2021 का धौलावीरा हरप्पन सिटी गुजरात। तो देखिए धौलावीरा वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द 3rd to 2nd millennium BCE इन द ब्रॉन्ज एज। और अभी की बात करें तो मोढ़ेरा टेम्पल और वड़नगर को, जो कि दोनों की आपके गुजरात के, उनको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। जो 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 टेंटेटिव में आता है वही आपका मेन वाली लिस्ट में, यानी कि वर्ल्ड साइट में लिस्ट में लिस्टेड हो पाता है। तो यहाँ तक आप सभी ने जान ही लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि रिव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अजंता केव्स। आप सभी ऑप्शन पढ़ें और अपना आंसर बताएं। सभी के आंसर्स लगातार आए, पुहेली का आ गया, बाकी सब एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द अजंता केव्स वर एक्साइवेटेड बिटवीन सेकेंड सेंचुरी एंड सिक्स्थ सेंचुरी। वेयर एलोरा केव्स आर सिचुएटेड बताइए। एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी, दैट इज द महाराष्ट्र। वेयर आर द एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड इन इंडिया? लगातार सभी के आंसर्स आने चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सांची स्तूप? इट इज सिचुएटेड इन सांची इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सांची ट्रैक एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1989। स्तूप एट सांची इज द ओल्डेस्ट स्टोन कंपोजिशन इन इंडिया एंड वॉज ओरिजिनली कमीशन बाई एम्परर बिंदुसार। तो बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। So the right answer is option D, that is the stoop at Sanchi is the oldest stone composition in India and was originally commissioned by the Emperor Bindusar. Ashok ke samay aapka tha. Who is the architect of Taj Mahal? Taj Mahal ke architect inme se kaun kaun the? Sabhi ke answers aane chahiye, jitne bhi student class mein aapke jude hue hain. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। व्हेन वाज द ताजमहल डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 85, 97, 83, 93। बताते जाएं सभी, बताते जाएं। And the correct answer is option C, 1983. Sun temple, that is Surya Mandir Konark, was constructed by Narasimha Dev first, Bhim first, Arjun Ramaswamy. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 13th century में नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? नेचुरल कौन है बताओ? And the right answer is option C, both of them. When was Great Himalayan National Park declared a National World Heritage Site? 14, 18, 20, 2000.
When was Great Himalayan National Park declared a National World Heritage Site? And the right answer is option A, that is the 2014. Where is the UNESCO World Heritage Site, Natural World Heritage Site, Valley of Flowers located? Himachal, Jammu, Uttarakhand, Sikkim. लगातार आप सभी को अपने आंसर देने हैं. And the right answer is Uttarakhand. Where is the UNESCO World Heritage Site Manas Wildlife Sanctuary located? Manas Wildlife Sanctuary कहां पर? And the right answer is option D, that is the Assam. Who built the Red Fort of Agra? आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सी, दैट इज द अकबर. Which of the following statements true about Ajanta caves? Ajanta caves were excavated between 2nd century, 6th century. They depict the story of Jainism. Ajanta caves are excavated in second shoe-shaped rock cut sample. The caves are believed to be made in two distinct periods, Gupta period and the Vakatak period. So, agar hum sahi statement dekhen, option A is correct. Which heritage site depict the fine Dravidian style of art and agriculture, architecture? अक्षरधाम, खजुराहो, हम्पी, अजंता. चलिए तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, दैट इज दी हम्पी. तो हम्पी में क्या है आपका, द्रविड़ी स्टाइल का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है सेंटर बनाया गया है. आगे बढ़ते हैं. नेम द हेरिटेज साइट कंसिस्ट 31 रॉक कट बुद्धिस्ट के माउंटमेंट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. खजुराहो, हम्पी, अजंता या फिर आपका एलोरा. कितने स्टूडेंट जुड़े हैं देखें, सभी के आंसर आने चाहिए. ऋषभ, रिया, ओमसाई, कुहेली, कोमलप्री, दीक्षा, आस्था, आंसर बताते जाएं सभी. एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which caves are known as for their Indian rock cut architecture? Khajuraho, Hampi, Ajanta, Ellora. And the correct answer is option D, that is the Ellora. Which is the holiest pilgrimage spot for Buddhist? Buddhist ke liye sabse apavitra sthan kaun sa hai darshan karne ke liye? खजुराहो, बोध गया, अजंता, एलोरा. तो ये है आपका बोध गया. कहां पर है? गया बिहार में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया? ताज, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट या फिर सांची. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश. इन विच स्टेट काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, नागालैंड. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज दी असम. बहुत ही अच्छे सभी के आंसर, वेरी गुड है. विच इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रिजर्व? मैंग्रोव फॉरेस्ट रिजर्व, सुंदरबन, काजीरंगा, अजंता, वेस्टर्न घाट. And the right answer is option A, that is the Sundarban. Name an astronomical observatory built in 18th century Rajasthan. Red Fort, Qutub Minar, Jantar Mantar, none of the above.
तो इसका आपका राइट आंसर जंतर मंतर है, ठीक है। अच्छा बताओ किसको किसको 40 के 40 पूरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद हो गए हैं आप? बताइए। ओम साई याद हो गया, वेरी गुड। चलो अब मैं आपसे साइट्स पूछ रहा हूं, उसके लोकेशन आपको बताना है। धौलावीरा कहाँ पे है बताइए। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, गुजरात। और 2021 में इसको आपका लिस्ट किया गया था। ये बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कलर्स। ओम ने बता दिए, बाकी सभी सभी के आंसर्स आने चाहिए। अगर हम यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो इनका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलिए, अच्छी बात है। रानी की वाव, रानी की वाव कहां पर है? गुजरात के पाटन में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड एट वेयर? रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, बताइए। ओम साई का आंसर आया, और सभी। अगर हम रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका को देखें तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। और इस साइट को आपका 2003 में आपका इंक्लूड किया गया था। अगला, हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं टॉम, वेरी गुड। तो ये आपके दिल्ली में है और इसको 1993 में आपका इंक्लूड किया गया था, अच्छी बात है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इज लोकेटेड इन, चोला टेम्पल्स, बहुत अच्छे साईं, बाकी सब आंसर देते जाएं। तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसको 1987 में आपका इंक्लूड किया गया था। अगला, फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में है, 1986 में इसको आपका बिल्ड लिस्टेड किया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। चलिए अब ये बताओ आप सभी, जो आपका ताजमहल है वो किस रिवर के आपके साइट पर है? ताजमहल, वेरी गुड रिया, ओम, और बाकी सब आंसर देते जाएं, सबका नाम लेना पड़ेगा। कुहेली, यमुना नदी पर, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, भारत की वन एंड ओनली मिक्स हेरिटेज साइट कौन सी है, उसका नाम क्या है और उसको किस ईयर में आपका नोटिफाइड किया गया, बताइए। तो ये आपका है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों ही साइट आपकी आती हैं, अच्छी बात है।
छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनस का फॉर्मर नेम क्या है? व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस? बताओ फटाफट। ओम साई, वेरी गुड। देखो जैसा ओम आंसर दे रहा वैसा आप सभी दे हो। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा ये बताइए, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स, ठीक है, जो पोर्टुगीज के द्वारा बनाए गए थे उनको भी लिस्ट किया गया है, तो ये हैं कहाँ पर? चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स, वेरी गुड। तो इट इज लोकेटेड इन दी गोवा, अच्छी बात। अच्छा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो आपका हम्पी में है, ठीक है, वो किस एम्पायर का हिस्सा था? क्या कोई बता सकता है? वेरी गुड, विजयनगर एम्पायर का, अच्छी बात है। महाबलीपुरम इज लोकेटेड इन, महाबलीपुरम, देखिए आज से तीन साल चार साल पहले जो है, चार साल पहले आपके ये शी जिनपिंग जब भारत पे आए थे तो मोदी जी ने उनको वहां पर ले गए थे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो आपका माउंटमेंट है महाबलीपुरम का, ये अपने रथ मंडप जायंट ओपन एयर रिलीफ के लिए जाना जाता है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट वेयर? वेरी गुड, तो ये आपका गया में, अच्छा। अच्छा ये बताइए, जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसको किस किंग ने किस सेंचुरी में बनाया था? विच किंग बिल्ट द सन टेम्पल एंड इन विच सेंचुरी? नरसिम्हदेव फर्स्ट, वेरी गुड, इन दी 13th century, अच्छी बात है, सभी आंसर दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो राजस्थान में जंतर मंतर है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की साइट, तो उसको किस राजपूत किंग ने आपका बनवाया था? द जंतर मंतर, तो ये थे आपके राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है, सवाई जयसिंह सेकंड। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये याद रखिए, टोटल भारत में 40 आपके हैं, धौलावीरा हो गया, अहमदाबाद सिटी हो गई, ये सब आपके कुछ नए साइट्स हैं ना, जिनको इसमें लिस्टेड किया गया। एक क्वेश्चन तो आपका इसी से बन जाता है, तो इसको भी हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है। आप सभी जैसे ही पीडीएफ मिलेगी उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी आप बेहतर करते जाइए। कल की क्लास में हम नेक्स्ट आपके टॉपिक को लेकर आगे आएंगे।